हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास टेंथ साइंस में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स जो आपका लेसन चला था इसी को आज के फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। ये तो आपका थर्ड लेक्चर है, ठीक है। इस पर फर्स्ट में मैंने आपको एक ट्राइवियल नेम्स समझाए थे कि एसिड्स कौन कौन से किस किस में पाए जाते हैं, वो मैंने आपको कुछ बातें वहाँ पर बताई थी इंट्रोडक्शन पार्ट में। सेकेंड पार्ट जो हमने स्टूडेंट से पहले लास्ट लेक्चर में देखा था उसमें हमने समझा था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है ना। वहाँ पर हमने आर्हेनियस एसिड, आर्हेनियस बेस किसे कहते हैं ये समझा था, लेकिन आपकी क्लास टेंथ बुक में सिर्फ एसिड और सिर्फ बेस कहकर बातें हो चुकी हैं, इसलिए आपको हो सकता है अगर आप सुन रहे हो तो आर्हेनियस अजीब लग सकता है, ऑड लग सकता है, लेकिन ये अगले नेक्स्ट आपकी स्टैंडर्ड में होता है, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं कंप्लीटली कोशिश कर रहा हूँ एसिड बेस जितना कुछ आप पढ़ सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ना हमारा जो अप्रोच होगा वो बढ़ जाता है, हम पूरे अच्छे ढंग से समझ पाते हैं चीज़ों को, लिमिटेशन में नहीं समझ पाते। इसीलिए स्टूडेंट इसी के रिगार्डिंग में एक अच्छा सा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला है, क्योंकि बेसिकली हमें ना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़नी है, ठीक है ना। तो उसको पढ़ने से पहले स्टूडेंट मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप इसे बड़े ध्यान से क्या करना समझ लेना, ठीक है ना। क्या स्टूडेंट आपको याद है कि मैंने आपसे कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और फिर मैंने आपको कहा था SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, मैंने कहा था इनका नेचर आप कैसे पता लगाएंगे, तो हम अभी तक जितना हमारा नॉलेज है उसके आधार पर हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन नहीं देते, और हमने बेसिकली एसिड्स उन्हीं को समझा था कि जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हो, तो ये तो कम से कम एसिड्स नहीं है, इतनी बात हम लगता है हमें, लेकिन ये एसिड हैं स्टूडेंट्स, ये एसिड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बोथ आर एसिड्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको अगर हम डिफाइन करें कि क्यों ये एसिड्स होते हैं, कैसे आप समझ जाएंगे कि इन्हें देख के एसिड्स होते हैं, तो उसके बारे में आपको कुछ मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, बड़े आराम से समझना। ये स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि भले ही मैं आपको ये कॉन्सेप्ट 11th क्लास से लेकर बता रहा हूँ, लेकिन ये पूरी पूरी हेल्प कर रहा है आपकी क्लास टेंथ में। अभी देखना आगे की कुछ बातें ना, कैसे आप विद इन सेकेंड आप तुरंत चुटकियों में बोलने वाले हैं कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, देखना आप खुद ही देखेंगे। फिलहाल अभी हम समझ लेते हैं बातों को, एज अ नॉलेज हम इसे ले लेते हैं, फिर इसके जस्ट लेक्चर में आप इसका बहुत बड़ा एडवांटेज देखेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। स्टूडेंट मैं कुछ बातें बता लेता हूँ, मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में कि पीरियोडिक टेबल के 20th एलिमेंट आपको आने चाहिए शुरू से कम 20 मिनिमम, एटलीस्ट 20 आपको आने चाहिए, बाकी ज़्यादा आप जितना करें तो उससे यह है कि बस आपकी एक मेमोरी को शार्पन करने की एक वो होती है, बस आप अपने उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं होता कि उसको याद करके कुछ नया होता है, लेकिन याद इसलिए करते हैं ना, मैंने बोला जैसे कि मेमोरी कार्ड होता है किसी कंप्यूटर में, मोबाइल में आपके, तो कम से कम एक मेमोरी कार्ड की जरूरत पड़ती है। आप भले ही कंप्यूटर कितना भी तेज काम करे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कंप्यूटर सारा काम ऐसे करता है, कुछ ना कुछ मेमोरी कार्ड होता है तभी वो काम कर पाता है। वही मेमोरी कार्ड को मैं लेने की आपके बारे में बोल रहा हूँ, वही मेमोरी कार्ड को रखें यहाँ पर, तो कम से कम जो 20 एलिमेंट्स आप याद करेंगे तो वो आपका एज अ मेमोरी कार्ड काम करेगा, देखना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखना जरा, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, मैं आपको ना एक हल्का सा ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ किसका, पीरियोडिक टेबल का, जो हमारी बड़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है, हल्का सा मैं एक ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ, देखिएगा स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा, मैं एक हल्का सा आपको कुछ बता रहा हूँ, इससे अप्रोच हमें लेना है, ठीक है ना। बाकी वैसे तो क्लास टेंथ में भी आपको पीरियोडिक टेबल पढ़नी पड़ती है, और वैसे ही फिर क्लास इलेवेंथ में भी आपको इसे पढ़ना पड़ता है अच्छे ढंग से, ठीक है, कुछ बातें मैं रिगार्डिंग भी बता रहा हूँ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने बना लिया, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा एक मिनट इसे फिर से कर लेता हूँ, जरा 1 एंड 2, ठीक है स्टूडेंट। ये मैं क्या कर रहा था, मैं इनकी काउंटिंग कर रहा था, मैंने देखा ये कॉलम एक 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होने चाहिए एक्चुअली, तो ये 10 मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, कितने होने चाहिए थे, 10 होने चाहिए थे, ठीक है ना। अब बाकी एक मैं यहाँ से फॉलो करवाता हूँ, 1, 2, समझाता हूँ अभी क्या है, 3, 4, 5, 6, ठीक है, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप, जरा मैं अब आपको समझाता हूँ, ठीक है, स्टोरी क्या है। ये स्टूडेंट जो आपको मिड में दिखाई दे रहा है ये वाला, जिसमें मैंने अभी 10 कॉलम बनाया अभी आपके सामने, यहाँ से बनाना स्टार्ट किया ना मैंने इस तरह से, ये 10 कॉलम आपके क्या बने, यहाँ पर बने स्टूडेंट। यहाँ पर एक नीचे पे फिर एक और चीज़ होती है, तो चलो मैं इसको ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, इसको हल्का सा इसको मैं समझा दूंगा क्या चीज़, ठीक है स्टूडेंट। ये पीरियोडिक टेबल होती है, आपके पास कोई भी केमिस्ट्री की बुक अगर आप दिखाएंगे, आपके सीनियर अगर भाई बहन है आपके कोई भी सीनियर है, तो आपकी उनकी बुक में भी आप देखते होंगे, कम से कम आपको दिखता होगा, वरना आपने देखी होगी आपकी कभी भी केमिस्ट्री क्लास में, आपकी केमिस्ट्री लैब में आपको अक्सर ये दिखता होगा, ठीक है ना।
तो स्टूडेंट इसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बेसिकली मेंडलिफ ने पहली बार बनाई थी, मैं हल्का सा बता रहा हूँ, मेंडलिफ सर ने बनाई थी। फिर इनके बाद मोजली नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने 1902 अगर मुझे याद है तो अप्रॉक्सीमेटली शायद 1902 था जब उन्होंने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोली थी। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, बोला इसे मॉडर्न जाता है, लेकिन स्टूडेंट ये भी कम से कम आप समझ ही चुके हैं 1902 की बनी हुई है तो 100 साल से ज्यादा इसे हो चुके हैं, 100 लगा लीजिए अब 116 साल, ठीक है ना। तो इतना स्टूडेंट इसे हो चुका है, तो फिर भी इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। हम इसी का रेफरेंस लेते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, इसके बारे में जब हम कभी पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल तो मैं तब उसके बारे में बताऊंगा। जो हमारी काम की चीज है उसे लेने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, ये जो है ना ये वाला, इसे फर्स्ट कॉलम कहते हैं, इसे सेकंड कॉलम, आप ये समझे, वरना इसे फर्स्ट है सेकंड है ऐसा कुछ कहते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट सेकंड कहकर ही काम चला रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जरा ध्यान से समझना बात है, जैसे कि दो कॉलम यहां होते हैं ना, मैं भी कॉलम्स को नंबरिंग नहीं दे रहा, मैं अपने हिसाब से बात बता रहा हूं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसे ही एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, 4, 5, 6 कॉलम यहां होते हैं, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहां होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ऐसे होते हैं। मैंने उस हिसाब से नहीं करा जैसा कि पीरियोडिक टेबल में कहा था, पीरियोडिक टेबल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे चलते हैं, फिर आगे को चलते हैं, वो पीरियोडिक टेबल में अलग होता है। तो 18 कॉलम कुल मिलाकर बनते हैं, 2 ये 10 ये 12, 12 6 18 होते हैं, तो 1, 2 करके यहां से बनते हैं और फिर यहां तक फाइनली आते हैं। तो मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ये वाला हिस्सा है ना, इस वाले हिस्से को, इस वाले कॉलम को, इस पूरे कॉलम को कहते हैं स्टूडेंट्स डी ब्लॉक। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक। जैसे आपके स्कूल्स में ब्लॉक बने होते हैं ना, ऐसे ही इस तरह से यहाँ पर ब्लॉकिंग है, ठीक है। ये डी ब्लॉक होता है, इतना वाला हिस्सा डी ब्लॉक का होता है। तो इतना वाला हिस्सा स्टूडेंट, ये जो दो है, मैं इसे रब कर रहा हूं वरना ये लाइनिंग है इसमें, ठीक है ध्यान रखना। इसको कहते हैं स्टूडेंट एस ब्लॉक। क्या कहते हैं इसको? एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक को, ठीक है ना। और ध्यान रखिए, इस एस ब्लॉक में कितने कॉलम है कोई पूछेगा, तो इस ब्लॉक में 2 कॉलम रहते हैं। डी ब्लॉक में कोई पूछेगा कितने कॉलम रहते हैं, आप बोलना 10 कॉलम रहते हैं। इनके रीजन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल जब आप क्लास 11th में जाएंगे ना तभी मैं कह रहा हूं, आपके लिए बहुत कुछ आगे रखा हुआ है, एक ट्रेजर रखा हुआ है आपके लिए, ट्रेजर रखा हुआ है, खजाना आपके लिए छुपा हुआ है क्लास 11th 12th में, ठीक है ना। वहां पर आप समझते हैं, वहां पर आपको डिटेल में पता चलता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का एक लेसन होता है, वहां पर आपको पता चलता है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक में क्यों 2, क्यों 10, क्यों 6 आपके ग्रुप होते हैं, ये बातें पता चलती है, ठीक है। तो अभी कोई बात नहीं, आप इतना मेमोराइज कर सकते हैं। इसे कहते हैं पी ब्लॉक। क्या कहते हैं इसे? पी ब्लॉक। तो इस ब्लॉक को कहने वालों ने पी ब्लॉक नाम दे रखा है, इसको एस ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक। ये नाम देने के भी पीछे कुछ रीजन है, ठीक है। ये नीचे वाला जो होता है ना स्टूडेंट, इसे एफ ब्लॉक कह दिया गया। क्या कहा गया? एफ ब्लॉक। अब क्यों कहते हैं स्टूडेंट, मैं बिल्कुल अभी उस पर डिस्कस नहीं कर रहा, उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है, ठीक है ये बात। तो हमने क्या देखा? एस ब्लॉक में 2 कॉलम, पी ब्लॉक में 6 कॉलम, डी ब्लॉक में 10 कॉलम, F ब्लॉक में स्टूडेंट ध्यान रखना ऐसे ऐसे करके 14 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं? 14 कॉलम होते हैं और ये 2 रो होती है, ठीक है बस इतनी सी बात है। इसका तो बहुत ज्यादा भी कुछ करना नहीं है, वैसे तो करना किसी से भी आपको बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काम की जो बात बता रहा हूं उसे बिल्कुल स्टूडेंट मेमोरी में रखना। देखिए क्या मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बता रहा हूं। हमारा काम सिर्फ इतने से है, ये जो मैंने ऊपर के बना रखे, क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर आपका रहता है सबसे ऊपर पर, यहां पर हाइड्रोजन रहता है। मैं कुछ बातें बताता हूँ अभी आपको, रुकना ठीक है ना। यहाँ पर रहता है स्टूडेंट्स आपका, यहाँ पर रहता है हीलियम। कौन रहता है? हीलियम। हीलियम लिखा, ठीक है, मैंने एच ही लिखा। यहाँ स्टूडेंट रहेगा लिथियम, यहाँ रहता है बेरिलियम बीई, ठीक है, यहाँ रहता है बोरॉन। ये आपको नंबरिंग याद है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कोई ट्रिक लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल मेमोरी में डाल दें इसे, याद कर लें बिल्कुल ढंग से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक। फिर क्या आता है स्टूडेंट, नियॉन के बाद नंबर किसका आता है आप जानते हैं, नियॉन वहां 10 है। तो सोडियम, क्या सुना है आपने सोडियम का नाम? यस आपने सुना होगा सोडियम। फिर यहां मैग्नीशियम, इतना आता है। फिर स्टूडेंट्स किसकी बारी आती है? यहां आती है बारी एल्यूमिनियम की, AL आपको दिखना चाहिए, ठीक है ना, अदरवाइज आप और अच्छे ढंग से बनाए। एल्यूमिनियम के बाद 14 नंबर सिलिकॉन, फिर उसके बाद फास्फोरस 15 नंबर, देन सल्फर 16 नंबर, क्लोरीन 17 नंबर एंड आर्गन 18 नंबर। फिर स्टूडेंट्स अगर मैं आऊं यहां पर आर्गन के बाद, फिर यहां से आपकी इस तरह की शुरू हो जाती है और ये पूरा ऐसे चलती है ऐसे करके, ठीक है। आर्गन के बाद यहां पर किसका नंबर है, वो आर्गन कौन सा नंबर है? 18 नंबर। तो 19 नंबर स्टूडेंट पोटेशियम होता है, देन कैल्शियम होता है, इसके आगे की मैं बात नहीं कर रहा। इसके बाद फिर स्ट्रॉनशियम होता होगा, फिर बाकी आपके होते होंगे, ठीक है ना। स्ट्रॉनशियम होता है, मुझे पता नहीं क्यों अभी 22 का नाम याद नहीं आ रहा, 23 वेनेडियम होता है, फिर क्रोमियम होता है, फिर मैगनीज होता है, फिर आपका फेरिक होता है, फिर कोबाल्ट होता है, फिर निकिल होता है, फिर कॉपर होता है, फिर जिंक होता है, फिर आगे गैलियम, जर्मेनियम, फिर ऐसे करके आपके चलते रहते हैं, ठीक है ना। वो मैं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, समझ में आ गई बात आपको। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा होता है, मुझे अभी 22 का नाम याद नहीं आ पाया, ठीक है। मैंने इसका नाम स्ट्रॉनिसियम,
स्ट्रॉन्ग, सॉरी इसका नाम स्कैनेडियम होता है, सॉरी स्कैनेडियम, चलिए कोई बात नहीं उसे रहने देते, उसका काम अभी नहीं है वैसे, ठीक। तो स्टूडेंट अब बड़े ध्यान से समझना, ये जो मैंने आपको इतनी मेहनत करके जो बताया सिर्फ मैं इतने को ही समझाना चाह रहा था, जो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट की जो मैंने रिटन यहाँ पर किए जो मैंने लिखे, ठीक है। अब समझते हैं होता क्या होगा, इस ब्लॉक को एस ब्लॉक कहते हैं बिल्कुल मेमोरी में रहेगा, इस ब्लॉक को पी ब्लॉक कहते हैं मेमोरी में रहेगा, डी ब्लॉक कहते हैं इसे एफ ब्लॉक कहते हैं बस। अब मैं आपसे बातें ऐसे करूंगा, हवा में बातें कर सकता हूं आने वाले चैप्टर लेक्चर्स में, लेकिन वो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, इसलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बता दिया। अब स्टूडेंट ये हाइड्रोजन को, ये मैं पहले हल्का सा बताया था कि इस पीरियोडिक टेबल को बनाया क्यों गया, इसको इसलिए बनाया गया ना क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से कुछ नेचुरल हैं कुछ हमारे बनाए हुए सिंथेसाइज हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल हैं, तो 118 एलिमेंट्स पूरे यहां पर छुपे हुए हैं। अब इन सब में एक एक को अगर आप स्टडी करने लगे ना तो स्टूडेंट पॉसिबल ही नहीं है एक एक को स्टडी करना। तो जो करने वाले अरेंजमेंट करने वाले थे सर मोसली सर मेंडलिफ, उन्होंने एक अच्छा सा अरेंजमेंट किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिनकी प्रॉपर्टीज मैच खा रही थी, जिनकी प्रॉपर्टीज में मैचिंग हो रही थी, उन्होंने उन्हें एक क्या रख दिया, एक ही कॉलम में रख दिया। जैसे ना उन्होंने ऐसा किया, इनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी ना आपस में मैच कर रही थी, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता था, मतलब ये कॉलम पूरा सिमिलर प्रॉपर्टी रखता था। असल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो एलिमेंट छांटे जो सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, उन सब सिमिलर प्रॉपर्टी रखने वाले को एक कॉलम में उन्होंने रखा। तो उन्हें लिथियम सोडियम पोटेशियम सीजियम रूबिडियम फ्रांसियम रूबिडियम सीजियम फ्रांसियम टाइप का एक पैटर्न मिला, उन्होंने इन सबको एक साथ रख दिया। ऐसे कर करके उन्होंने सबको एक साथ रखा, तो इस तरह से क्या हुआ, अब हमें स्टडी करते समय लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम इनके बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा सिर्फ एस ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक के फर्स्ट ए कॉलम को पढ़ लेंगे तो ये सब अपने आप कवर हो जाएंगे, इन सब की प्रॉपर्टी वही होगी, ठीक है। ऐसे ही पी ब्लॉक को पढ़ लेंगे तो पी ब्लॉक में ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सेम रहती है, फिर उसके अंदर डिवीजन हो जाते हैं छह हिस्सों में। तो अगर पी ब्लॉक का ये वाला ग्रुप पढ़ लेते हैं, इसे 13 ग्रुप कहते हैं, अगर ये पढ़ लेते हैं तो हमारे सारे के सारे एलिमेंट यहां से यहां तक के कवर, 14 ग्रुप पढ़ लेते हैं सारे एलिमेंट कवर, 15 पढ़ लेते हैं सारे एलिमेंट कवर। इस तरह से स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने सारे पैटर्न वाले जो थे ना उन्हें एक साथ रख दिया ताकि हर एक को अलग अलग ना पढ़ना पड़े, एक सिमिलर प्रॉपर्टी वाले को एक साथ पढ़ना पड़े, इन सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर रखती है, इन सबको एक ही ब्लॉक में डाल दिया। अब हमारी स्टडी क्या हो गई, एक सिस्टमैटिक स्टडी हो गई जो कि होनी चाहिए, इस तरह का अरेंजमेंट करने वालों ने किया। तो ये हमारे लिए ध्यान रखिए, अच्छा कुछ किया गया पीरियोडिक टेबल बनाकर। सोचिए खुद ही आप 118 एलिमेंट को कैसे पढ़ते हैं, अभी सिर्फ इसको पढ़ना पड़ता है, इसको इसको इसको, और 12th आने तक हम इसे पढ़ लेते हैं, 11th में इस पूरे को पढ़ लेते हैं, इसके सिर्फ इसको इस हिस्से को और इस हिस्से को पढ़ पाते हैं, बाकी वो जो बाकी के चार बच्चे उन्हें हम 12th में पढ़ते हैं, फिर 12th में इसे भी पढ़ते हैं, बस हम खत्म कर देते हैं 11th 12th में। आपको क्या पढ़ना है, आपको तो कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको तो इंट्रोडक्शन लेना है इसका बस, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं बता क्या रहा था इस वाले में, मैं जो काम की चीज बता रहा हूँ उसे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि ये वाले जो होता है ना, ध्यान क्या रखेंगे आप, ये दोनों ही कॉलम में जो एलिमेंट्स है आप इन्हें हमेशा मेटल कहिए, क्योंकि मैं कभी आपसे पूछता मेटल के नाम बताओ, आप मुश्किल से एक दो बता पाते, अब आप सारे के सारे लेके कह देना, आप कह देना लिथियम है सोडियम है पोटेशियम है रूबिडियम है सीजियम है फ्रांसियम है, यहां से भी आप कह देना बेरिलियम है मैग्नीशियम है कैल्शियम है स्ट्रोनेशियम है, यहां पर आपका बेरियम है फिर आपका रेडियम है, तो इस तरह से आपने इतने सारे एलिमेंट्स बता दिए जो मेटल है, ठीक है। मेटल में प्रॉब्लम तो नहीं है, यहां से कोई भी उठा लेना, चलिए आपको नीचे के नहीं समझ में आ रहे, छह तो आप उठा ही लेंगे ना कम से कम बस, और ये पिक्चर बिल्कुल बनी होनी चाहिए माइंड पे। ये जितना कुछ दिख रहा है इस पी ब्लॉक में, इस पूरे पी ब्लॉक को स्टूडेंट आप नाम देना नॉन मेटल, क्या नाम देना नॉन मेटल, क्या नाम देंगे स्टूडेंट नॉन मेटल, दिखाई दे रहा है ना नॉन मेटल, आप नोट कर लेना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक और बात सुन लीजिए, यहाँ पर सभी नॉन मेटल नहीं होती, यहाँ मेटलॉइड्स भी होते हैं, कभी आप पीरियोडिक टेबल अपने आगे रख कर देखें तो आपको एक यहाँ पर स्टेयर वाइज स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा टाइप का स्टेयर वाइज स्ट्रक्चर दिखेगा, आप उसके जब कलर को नोट करेंगे वो कलर आपको पीरियोडिक टेबल में जब बना हुआ दिखेगा उसमें लिखा होगा मेटलॉइड्स दिखना। तो यहाँ पर मेटलॉइड छुपे होते हैं जिनमें सल्फर एक तरह का मेटलॉइड होता है, ठीक है ना, यहीं पर होता है, एक जर्मेनियम होता है वही मेटलॉइड होता है, तो वो बात की बात है। लेकिन आप मेनली क्या याद रखें, आपके लिए जो याद रखने लगे ये ध्यान रखिए कि इसमें ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स हैं, कम से कम ये जो दिख रहे हैं ये सारे तो नॉन मेटल हैं, लेकिन इनमें स्टूडेंट एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं मेटालिक करेक्टर रखता है वैसे, लेकिन फिर भी उसे नॉन मेटल माना जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन मेटालिक करेक्टर उसका डोमिनेट करता है, ठीक है। तो उसके जो होंगे आप उन्हें क्या कहेंगे नॉन मेटल, तो ध्यान रखना ये नॉन मेटल है, इनके आराम से इन सबके सब यहां पर नॉन मेटल है, आराम से इन्हें नॉन मेटल कह देना, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स रहते हैं, वैसे मैं आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा रहा अभी, मैंने ऐसे ही बताया ट्रांजिशन एलिमेंट, चलिए मैं उसे भी छोड़ देता हूँ, वो बात की बात है, ठीक है। और स्टूडेंट्स बस हमारे काम की बात हो गई, मैं सिर्फ इतना आपको बोलना चाह रहा था क्योंकि मैं आज से अभी आपको इससे पहले पूछता कि मेटल के नाम सोचिए आप सजेस्ट कीजिए तो मुश्किल होती है, हम एक आधी मेटल के नाम बोल पाते या नहीं भी बोल पाते, चलिए नॉन मेटल की मैं आपको पूछता आप क्या बोलते, दिक्कत हो जाती। अब हम बोलने के लिए बिल्कुल कैपेबल हैं, कोई हमसे पूछे नॉन मेटल हम कहेंगे कार्बन नॉन मेटल है नाइट्रोजन नॉन मेटल है ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये सब नॉन मेटल्स है,
यहाँ पर सल्फर रखा रहता, सल्फर भी नॉन मेटल है क्योंकि वो भी यहीं आता है, 16 नंबर में आता है। फॉस्फोरस के नीचे कौन आता है? सल्फर। कौन आता है? सल्फर। ठीक है, ये सिलिकॉन, अभी मैं मेटालॉइड कह रहा था ना, मेटालॉइड क्या मैंने सिलिकॉन का सल्फर का, अगर मैं सल्फर गलती से कह दिया तो ध्यान रखना सिलिकॉन होता है मेटालॉइड, ठीक है, जिस पर दोनों की प्रॉपर्टी होती है। फिर भी मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर ये सल्फर दिख रहा है ना आपको फॉस्फोरस के आगे, ये सल्फर जो स्टूडेंट होता है ये भी नॉन मेटल है, क्योंकि मोस्टली यहाँ सभी नॉन मेटल है। अब काम की बात कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जस्ट काम की बात इतनी थी कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स जो होंगे आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, आपको दिखाई देना चाहिए। मैंने लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और यहां पर लिखा रहता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब स्टूडेंट कुछ छोटी सी मेरी बात समझना, मैंने इसको थोड़ा सा हाइड्रोजन को अलग से रखा रहता है ना, इसके कुछ एक हल्का सा रीजन बता देता हूँ। असल में जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर रहती है उसे उस कॉलम में रखा गया। हाइड्रोजन ना इसकी प्रॉपर्टी को भी मैच करता था, इस वाले ब्लॉक की, एस ब्लॉक की। हाइड्रोजन पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी को भी मैच करता है, इसीलिए जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जब केमिस्ट्री की ब्रांच होती है वहां जब पढ़ते हैं, तो इन सबको जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें से हाइड्रोजन को अलग निकाल लेते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि ना हाइड्रोजन इसकी प्रॉपर्टी फॉलो करता है ना उसकी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इसलिए हाइड्रोजन की एक अलग ही प्रॉपर्टीज होती है, उसे अलग से रखा गया उसे पूरे उसमें। ठीक है, ये कारण है इसका। चलिए ठीक है, ये स्टूडेंट पूरी बातों का कंक्लूजन है, सिर्फ कंक्लूजन ये है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये सिर्फ एक हमारी पूरी बात का क्या है, कंक्लूजन रहा, समझ में आ गई। अब स्टूडेंट पता करते हैं क्या क्या हो रहा होगा। जैसे मेटल ऑक्साइड, मैंने कहा यहां वालों में से किसी का भी ऑक्साइड उठा लो, आपने उठाया सोडियम का। अब सोडियम का ऑक्साइड आपको बनाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सोडियम के आगे ओ रख देना। वैलेंसी आप जानते हैं, सोडियम की 1 होती है, ऑक्सीजन की आप जानते होंगे ना 2 होती है, क्योंकि 286 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, Na2O मिल जाएगा। हम तुरंत समझ गए कि ये सोडियम का ऑक्साइड हो गया Na2O। अब आपसे कोई पूछेगा Na2O का नेचर कैसा, आप तुरंत बोलेंगे मेटल का ऑक्साइड, इसलिए बेसिक नेचर का है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है आप देखिए, किसी ने आपको कहा मैग्नीशियम का ऑक्साइड, आप तुरंत लिखेंगे MgO, फिर आप देखेंगे Mg का 2 होता है, 2 होता है ना वैलेंसी, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, तो 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया MgO, तो आपने तुरंत क्या कहा, आपने कहा मैग्नीशियम का ऑक्साइड इस तरह का दिखता होगा। कभी कभी हमें यह भी प्रॉब्लम होती है कि सोडियम का ऑक्साइड ऐसा क्यों दिख रहा है, मैग्नीशियम का ऐसा क्यों दिख रहा है, मैंने आपको करके दिखा दिया इसलिए दिखते हैं। ऐसे किसी ने कहा स्टूडेंट्स, कोई और उठा लिया, किसी ने कैल्शियम उठा लिया, कैल्शियम का भी 2 नंबर होता है, क्योंकि 2 इसलिए होता है, यहाँ पर ध्यान रखना, जो जिसका कॉलम नंबर होता है वो इसकी वैलेंसी होती है। वैसे भी आप जानते हैं कैल्शियम का नंबर 20 होता है, 2882 करके, तो कैल्शियम ऑक्साइड में भी ऐसा ही होगा, ये 2 के कैंसिल कर देगा तो CaO बन जाएगा, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। तो स्टूडेंट्स ये सभी कैसे हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं, देयरफॉर दे आर बेसिक इन नेचर। क्लियरली समझ में आ रहा है क्या है बेसिक नेचर के। मैं हल्का से एक फील करवा देता हूँ ताकि आपको ना आगे से ये बात याद रहे कि मेटल ऑक्साइड, कहीं आप कंफ्यूज ना कर जाएं। जैसे मैं अभी लिख रहा था तो मुझे हल्का सा कंफ्यूजन है, मैंने कुछ सोचा फिर मैंने करेक्ट कर दिया। क्या सोचा मैंने सोचा स्टूडेंट, क्या आपने लाइम सुना हुआ है, लाइम चूना कहते हैं जिसे, हम क्या कहते हैं चूना, ठीक है, क्विक लाइम कहते हैं ना उसे, हाँ ठीक है। तो स्टूडेंट CaO होता है, वो कौन होता है, ये आपका लाइम है, चूना जिसे आप कहते हैं, चूना जो होता है ना वो व्हाइट वॉश जिससे करते हैं वो वाला लाइम कहते हैं इसे। अब स्टूडेंट आपको क्या लगता है लाइम कैसा होता होगा, मेरे हिसाब से अगर टेस्ट करा गया आपने, कभी कभी हो जाता है टेस्ट गलती से, तो लाइम हमें दिखता है बेसिक बेसिक सा कुछ होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है, मतलब कम से कम खट्टा तो नहीं होता, सोर तो नहीं होता। आपने कभी देखा होगा किसी के अगर ब्लिस्टर्स जो छाले अगर किसी के मुंह में हो जाते हैं, तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, कुछ सजेस्ट करते हैं कि चूना लगाओ या कुछ बोलते हैं उसे इस तरह का, वो लगाओ हम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एसिडिटी मुंह में हो जाती है ऐसा लगता है, तो हम कम उसको लगाकर उसको कम करने की कोशिश करते हैं। मैं इसलिए एग्जांपल देना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि कैल्शियम ऑक्साइड कहीं ना कहीं बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, हल्का सा टेस्ट तो मत ही करना, लेकिन मैं बता रहा हूं कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, लाइम लाइम। तो अब समझ में आया बेसिक नेचर का क्यों है। अब हमें हमेशा याद रहेगा कि कोई भी कहेगा कि कौन सा मेटल ऑक्साइड क्या होता है, तो हमें तुरंत याद आएगा कैल्शियम का, क्योंकि कैल्शियम मेटल का ऑक्साइड है, हमें याद आएगा कैल्शियम ऑक्साइड या चूना कैसा होता है, हमें पता है बेसिक होता है, तुरंत हम यहां से बोलेंगे कंक्लूजन की कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक होता है, इसका मतलब मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, तब हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ रही है, इस तरह से स्टूडेंट हमने इसे डिफाइन किया। अभी कुछ मैं इसे थोड़ा सा रब कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं आगे की बात करता हूं। अभी स्टूडेंट्स हमें क्या दे दिया, हमें दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तुरंत देखिए कार्बन कहां पाया जा रहा है, कार्बन है कौन, नॉन मेटल। अब कार्बन क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड तुरंत क्या हो गया, एसिडिक। किसी ने कहा सल्फर डाइऑक्साइड, हमें तुरंत समझ में आया एस नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तुरंत समझ में आया कि ये क्या है, एसिडिक इन नेचर। इस तरह से स्टूडेंट मैं कह रहा था आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड्स आर
एसिडिक इन नेचर, क्लियरली समझ में आ रहा है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ ना कि कभी प्रॉब्लम ना हो आपको, कहीं फंस ना जाए आप, कहीं इन दोनों में कंफ्यूज हो गए तो फिर तो पूरी स्टोरी खराब हो जाएगी। तो आप बिल्कुल माइंड में रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में से कोई भी एक याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड को हम जानते हैं अच्छे ढंग से, कार्बन डाइऑक्साइड ध्यान रखना एसिडिक होती है। इसे इस सेंस में याद कर लो कि हम कहते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छी नहीं है, एक्सहेल करते हैं हम इसे, तो ये समझो कि एसिड है इसलिए हम इसे एक्सहेल करते हैं। मतलब कुछ भी करके याद करने की कोशिश कर लो ताकि ना आपको समझ में आए कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती है, फिर आप सोचेंगे कार्बन नॉन मेटल का ऑक्साइड, तुरंत आप कह देंगे नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। ये स्टूडेंट बहुत बहुत हेल्प करने वाला है आगे आने वाली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में जब पढ़ेंगे, तब भी मैं आपको इस बात बारे में समझाऊंगा, तब भी आप इसे क्लियरली कर पाएंगे। तो स्टूडेंट क्या आप समझ पाए कि इनके ऑक्साइड्स जो होंगे वो कैसे होंगे, एसिड बेसिक इन नेचर होंगे, उनके ऑक्साइड्स जो होंगे वो कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इतनी सी बात थी जो मैं आपको क्या करना चाह रहा था, इसके रिगार्डिंगली बताना चाह रहा था। अभी मुझे कुछ बात याद तो आ रही थी वैसे, लेकिन मैं थोड़ा सा उसे भूल गया, ठीक है ना। अभी मैं कुछ बोलना चाह रहा था आपसे, चलिए जो भी होगा मैं उसको अपने अगले लेक्चर में उसे कवर करेंगे। तो स्टूडेंट क्या आपको समझ में आया, मैंने आपको जो बताया मिली, हाँ तो ध्यान रखना ये जो है ना, अब से मैं कैसे बोलूंगा, अब इसे जब भी याद करना ऐसे करना जैसे मैं बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आप अपनी तरफ से करना। अब से पीरियोडिक टेबल में ऐसे कभी नहीं बनाऊंगा, और आपको 20 तक जो याद करने थे कैसे करने, 20 तक आप ऐसे बोलना, हाइड्रोजन हीलियम, फिर यहां पर लिथियम बेरिलियम, देन बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, 6 तक गिनना यहां पर, कैसे, हाइड्रोजन हीलियम, चलिए पहले तो मैं फर्स्टली यहां दिखाता हूं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ठीक है, फिर वहां तक 6 तक गिनना, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ठीक है, उसके बाद फिर सोडियम मैग्नीशियम, बस इतना, सॉरी आगे भी जाना है अभी, एल्यूमिनियम से स्टार्ट करना, फिर सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन 6, देन कैल्शियम पोटेशियम कैल्शियम। तो अब मैं एक बार क्विकली बताता हूँ, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम दो हो गए ना यहाँ पर, फिर बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन 6 नियॉन यहाँ हो गए, फिर यहाँ पर कौन आया, सोडियम और मैग्नीशियम, ये दो आ गए। फिर स्टूडेंट यहां पर किसकी बारी आई, यहां पर आया मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन देन आर्गन 6, फिर कौन आया, पोटेशियम कैल्शियम, दो हो गए। तो यहां हमेशा दो रहते हैं, यहां हमेशा 6 रहते हैं, आप आराम से करेंगे, ऐसे याद करना, ऐसे में क्या होगा, हेल्प हो जाएगी। मैं पूछूंगा कार्बन क्या, तुरंत बोलेंगे यहां रहता है नॉन मेटल, मैं पूछूंगा मैग्नीशियम क्या, आप कहेंगे यहां रहता है मेटल है, मैंने कहा कैल्शियम, आप कहेंगे यहां रहता है मेटल है, ठीक है ना। इस तरह से स्टूडेंट आप करेंगे तो सब कुछ होने वाला है, आगे की डिस्कशन में ऐसे करूंगा। ध्यान रखना मैं बिल्कुल रेफरेंस देने वाला हूं इस बात का, बिल्कुल आने वाले नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एसिड एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।